नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीक्यूआरएस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 60 राजस्व कर्मचारी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा देखा गया था। हम लोग नाउन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप इन वीडियोज को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। झारखंड एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप उसमें सारे वीडियोस देख सकते हो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो वीडियोस भी शायद कर चुके हैं आप इस चैनल पर, एसएससी ट्रिक वाले चैनल पर आप देख फाइंड कर सकते हो, उसे मिल जाएगा आपको इजीली। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अराउंड हम लोग 100 कंप्लीट करेंगे। 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, 100 से कम नहीं। कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है बहुत ही कम टाइम में। प्रपोजिशंस भी आपके साथ करूंगा और मॉडल पेपर। तो ये तीनों हमारा बचा है और सिनोनिम्स एंटोनिम बचा है। तो जल्दी ही आपको एसएससी ट्रिक चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट रूल देखते हैं। हम लोग टोटल 9 रूल करेंगे और 4 क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो रूल फर्स्ट क्या कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर PQRS एक बहुत ही बेसिक लेवल का है, इसको आप समझिए। इज ए राम गुड बॉय, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, वर्ब है। तो कभी भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस के पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। तो पी वाला ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो पी से शुरू है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब आपको पता ही है कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव होता है हमेशा नाउन के पहले आता है, ठीक है। एडजेक्टिव पहले आएगा, उसके बाद ही नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो गुड एक एडजेक्टिव है जो हमेशा बॉय के पहले आएगा। तो अब क्या बन रहा है, इसका सेट आर के बाद एस होगा, ठीक है। आर के पास एस यहां पर दिख रहा है आपको और यहां पर दिख रहा है। तो ये, तो यहां पर आपको आर एस नहीं दिख रहा है, तो ये आप हटा सकते हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, या तो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है या तो सेंटेंस आर से स्टार्ट हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। राम उसके बाद पी, राम के बाद पी, ओके। क्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, गुड इज अ, गुड इज अ एडजेक्टिव से सेंटेंस आप स्टार्ट नहीं करो यहां पर, कंप्लीट ये भी एलिमिनेट करो, यही ऑप्शन बचता है, ओके। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेंटेंस सॉरी रूल पे, सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट विथ अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस वर्ब से जनरली स्टार्ट नहीं होता है एक्सेप्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे डिड यू प्ले, डिड यू प्ले, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना क्वेश्चन वाले, तो ये हो सकता है स्टार्ट। नॉर्मल सेंटेंस जनरली वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। दो प्रीपोजिशन कभी भी साथ में नहीं आते, जैसे ऑफ और इन सेंटेंस में साथ साथ नहीं हो सकता। प्रोनाउंस जनरली कम आफ्टर नाउन, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, ठीक है। सर्च प्लूरल वर्ब आफ्टर प्लूरल नाउन, अगर कहीं पर प्लूरल नाउन दिख गया सेंटेंस में तो उसके लिए कौन कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल वर्ब चाहिए। अगर सिंगुलर नाउन दिखा तो उसके लिए सिंगुलर नाउन सर्च कीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 6, हु विच दैट, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है तो इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा जिसको आपको सर्च करना होगा कि कौन से वाले पार्ट में है, पी क्यू, पी में है, क्यू में है, आर में है या एस में है। Who, which, that are used for some nouns. कभी कभी ये nouns के लिए use किए जाते हैं generally. So always find noun before that. जैसे who के पहले कौन सा noun आएगा, ये आपको different parts देख करके समझना होगा। तो ये सारे rule को आप दिमाग में रखोगे, हम लोग अभी 4 questions practice करेंगे तो ये सारे rule revise हो जाएंगे। If any part ends with a verb, अगर कोई भी part P, Q, R या S end होता है verb से, तो उसका जो अगला पार्ट होगा वो स्टार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, नाउन से या प्रोनाउन से या दैट से। रूल नंबर 8,
If there is an object in PQRS, then sentence should not end with verb. Generally, sentence ना ही verb से start होता है, ना ही verb पे end होता है. अगर sentence लंबा हो तो उसमें object भी हो तो, ठीक है? He plays, ये हो सकता है end. He plays. ये इतना छोटा sentence आपको आएगा भी नहीं PQRS में. कम से कम 4 words तो होने चाहिए. तो ये हो सकता है, लेकिन जो long sentence होते हैं, generally verb से end नहीं होते. Generally मैं कह रहा हूँ. Rule number 9. Try to search for preposition which come after word. जैसे कुछ fixed होते हैं preposition. कुछ word और preposition का combination fix होता है. कि इस word के बाद यही preposition आएगा. तो वैसे combination आपको search करने हैं. Panacea मतलब क्या होता है? रामवन. Always keep options in your mind. Options हमेशा ध्यान में देखते रहना है. कि एक अगर पता चल गया कि ये नहीं हो सकते तो उसको eliminate कर दो आप. Okay. कुछ 4 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. ये राजस्व कर्मचारी वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का है, स्क्रीनशॉट में लिया हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल. ओके, तो वाज है यहाँ, तो पी से को तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब है. वर्ब से मैं पहले ही बताया, तो ये आप एलिमिनेट कर दो. ओके, अब इसका देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है. हु, ठीक है, महात्मा गांधी, ये हो सकता है. यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. तो ये अगर सब्जेक्ट इसे मान लोगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है. तो वर्ब इसी में दिख रहा है. तो आर के बाद पी में हमें वर्ब दिख रहा है. अब इसको सर्च करो, आर के बाद जस्ट पी कहाँ कहाँ है. आर के बाद पी यहाँ है, यहाँ नहीं है. तो इसको क्रॉस करो, इसको भी क्रॉस करो, यही ऑप्शन बच गया, आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द फर्स्ट चॉइस. ओके, मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन. ये मैं बताया कि 2 प्रीपोजिशन साथ साथ नहीं हो सकते कभी भी. तो एस के बाद आर कभी भी नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन गया. आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं. आप जनरली सेंटेंस को आप जनरली प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं करो, तो आर और एस से स्टार्ट मत करना. तो आर और एस वाले भी कैंसिल कर दो. ये एस वाला कैंसिल हो गया. हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, सी और डी. ऑप्शन सी अब हम लोग सेट करते हैं. पी के बाद क्यू. इंग्लिश इज द फर्स्ट चॉइस मोस्ट अदर कंट्रीज. गलत है ये. ओके, और यही हमारे पास ऑप्शन बचता है. तो यही राइट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डे द डंकी वुड कैरी. डंकी यहां पर दिखा. ओके, बट ड्यूरिंग द नाइट ही वॉज सेट. ही है तो ये नाउन है और ये प्रोनाउन है. तो नाउन के बाद ही हमेशा प्रोनाउन आएगा. तो मतलब कोई भी सेंटेंस आप कह सकते हो, आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि कैंसिल करो. एन के बाद ही आर आएगा. तो एन के बाद मतलब वो पी के बाद आर आएगा. पी के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है. तीनों ऑप्शन सही हो सकता है. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द डे द डंकी वुड कैरी. क्या कैरी करेगा? कैरी तो करेगा, पर क्या कैरी करेगा? धोबी का बैग, वॉशरमैन्स बैग. तो पी के बाद एस आना चाहिए. तो पी के बाद एस हमारा यहीं पर दिख रहा है. यही ऑप्शन राइट है. नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ टू ब्रूट फोर्स ग्रेटर देन एंड सुपीरियर द ह्यूमन रेस एंड इज इनफाइनाइटली. ओके, अब आप देखो कि कुछ वर्ड सर्च करो. सुपीरियर, सुपीरियर एक वर्ड है जिसके जस्ट बाद टू हमेशा आता है. सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब मैं आपको बताया हूँ. सुपीरियर, इन्फीरियर के बाद क्या आता है हमेशा? कौन सा प्रीपोजिशन? टू. तो आप सर्च करो कि आर के बाद क्यू आना ही आना है. ये फिक्स्ड है, दोनों साथ साथ आएगा. तो आर के बाद क्यू यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है. तो ये ऑप्शन को इनकरेक्ट करो. यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इनकरेक्ट करो. हमारे पास ऑप्शन 2 बचता है, ए और बी. अब इन दोनों को देखते हैं. बी को देख लेते हैं पहले. एस, द ह्यूमन रेस एंड इज इनफाइनाइटली. उसके बाद आर, ग्रेटर देन एंड सुपीरियर टू ब्रूट फोर्स. नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ. ये देखो प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है, तो प्रीपोजिशन से जनरली एंड नहीं करोगे यहाँ पर. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. यही ऑप्शन हमारा सही बनता है. ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कहीं भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे से पूछ सकते हो. मैं ज़रूर ही रिप्लाई कर दूंगा. 10-15 घंटे के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन पूछोगे
इससे रिलेटेड, ये नहीं कि कहीं से भी आप पूछ रहे हो, इससे रिलेटेड कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो मेरे से, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ क्वेश्चन से मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूं PQRS का, तो ज़रूर मुझे रिप्लाई करो, मैं आपके साथ कम से कम 10 और क्वेश्चन ईजी वे में प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए यूज़फुल है तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए, मुझे लाइक से ही पता चलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, और कुछ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय, हैव ए गुड डे।